आप तेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं आज की वीडियो जब लोग सारी वीडियो मोदी जी प्लीज ट्रेड कर लो ना है वीडियो किसने कहा। चले ये वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। भारत ने पाकिस्तान की सारी अकड़ जो है वो ढीली कर दी है, आतंकवादी हमला कराने से लेकर जम्मू कश्मीर को लेकर हेकड़ी दिखाने पर ऐसा कान उमेठा है भारत ने कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात कि दर्द से बिलबिला रहे पाकिस्तान से, ना रोते बन रहा है ना चिल्लाते। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आलोक। दोस्तों हमारे भिखारी पड़ोसी पाकिस्तान ने चीन के आगे फिर से कटोरा बढ़ा दिया है कि भैया कुछ डाल दो कटोरे में। कुछ ही दिनों पहले चीन ने पाकिस्तान को $4.3 बिलियन की फैसिलिटी को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसके ठीक बाद पाकिस्तान ने चीन से $1.4 बिलियन की भीख के लिए अपने हाथ पसार दिए। खैर पाकिस्तान का यह भीख मांगने का प्रोग्राम तो चलता रहेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत ने पाकिस्तान को कैसे जोर का झटका धीरे से दिया है। दोस्तों कहने को तो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड बंद है, लेकिन असल में यह पूरी तरह से सही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड हो रही है लेकिन वो बहुत लिमिटेड है और भारत ने इसी लिमिटेड ट्रेन में भी पाकिस्तान को जबर पटखनी दी है। दर्द ऐसा है कि अमेरिका में भी पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर को भारत याद आ रहा है, कह रहे हैं कि पड़ोसी देश से ट्रेड नहीं करने का कोई औचित्य ही नहीं है। So I think generically not trading with your neighbors does not make sense. उसमें जो political connotations हैं, जो geopolitics discussions हैं, those are beyond my domain. हमेशा जो रीजनल पॉलिटिक्स, अभी हमने SEO की कॉन्फ्रेंस हमने की, राइट, वी आर वेरी कीन टू जॉइन द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो क्यों है? इसी वजह से है कि आप ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कॉरिडोर जो है ज्वाइन करें। सो आई थिंक दैट्स राइट थिंग टू डू। पाकिस्तान के मिनिस्टर औरंगजेब ने जो बात कही वो पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के अलग अलग मंत्रियों और बिजनेस टाइकून्स भी कह चुके हैं और खुद मोहम्मद औरंगजेब ने 3 महीने पहले भी भारत के साथ कारोबार करने और भारत से सीखने का पक्ष लिया था। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो हम सारी दुनिया से ट्रेड करते हैं, अपने नेबर्स के साथ तो ट्रेड करनी चाहिए ना। अगर हम चीज़ें स्पेन से मंगवा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स उधर आ रही हैं, कुछ इधर आ रही हैं, तो अगर क्रॉस द बॉर्डर आ जाएँ, हाँ चलें आप कह रही हैं जर्मनी से आ रही हैं, तो अगर क्रॉस बॉर्डर आ जाएँ और कुछ क्रॉस बॉर्डर उनकी हमें उनसे सीखना भी चाहिए। जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर उनकी यील्ड्स बेहतर हैं, क्रॉप्स की और चीज़ें बेहतर हैं, वो भी उन्हें सीखना चाहिए। अगर वो आ जाए तो यू नो इट कैन ओनली हेल्प द कंट्री। तो औरंगजेब साहब भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। असल में वो ये बात जानते हैं कि जब तक पाकिस्तान और भारत के बीच आर्थिक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान की माली हालत ठीक नहीं होने वाली। पाकिस्तान में ना महंगाई कम होने वाली है, ना चीज़ों की किल्लत दूर होने वाली है, ना पाकिस्तान को एक्सपोर्ट से इनकम होगा। यानी भारत से ट्रेड का ना होना पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है और इसीलिए ये लोग बिलबिला रहे हैं। अब एक चौंकाने वाली बात बताता हूं दोस्तों, बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे लिमिटेड ट्रेड में भी भारत पाकिस्तान को ऐसे रगड़ रहा है कि बस पूछिए मत। हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देखिए, लिखा है पाकिस्तान से भारत का आयात यानी इंपोर्ट जीरो यानी शून्य तक पहुंच गया है जबकि निर्यात यानी एक्सपोर्ट जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की यह रिपोर्ट भारत सरकार के जारी आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट बता रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर यानी 2024-25 के शुरुआती 5 महीनों में भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने पाकिस्तान से इन्हीं शुरुआती 5 महीनों के दौरान $3 मिलियन का सामान इंपोर्ट किया था। भारत ने पिछले साल पाकिस्तान से मिनरल ऑयल, कॉपर, फल और नट्स, सल्फर, प्लास्टर करने के मटेरियल, कपास एक टाइप का, वो इंपोर्ट किया था।
लेकिन इस साल भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया, जबकि इसके उलट पाकिस्तान को भारत ने $235 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है और इसमें चीनी और दवाइयां मुख्य रूप से हैं। देखिए, 2 महीने पहले पाकिस्तानी न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने भी इस पर एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 5 सालों में पाकिस्तान ने भारत से अरबों डॉलर्स का इंपोर्ट किया है। लेकिन दस्तावेजात में ये बात सामने आई है कि गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने भारत से $1,62 करोड़ की जो है वो अशिया बरामद की गई है। और मेरे साथ जो दस्तावेजात इस वक्त मौजूद हैं, अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो उसमें बताया गया है कि साल 2019 और 20 में तकरीबन $38 करोड़ जो डॉलर्स है उसके अशिया बरामद की गई। इसी तरह साल 2021 के दौरान 32 करोड़, और साल 2022-23 में 27 करोड़, साल 2023-24 में जो है वो भी 27 करोड़ और 80 लाख जो डॉलर उसके अशिया बरामद की गई है। और जराए ने यह बताया है कि भारत से जो अद्वियात जो तैयार होती है उसका खाम माल पाकिस्तान बरामद करता है। अब इसी रिपोर्ट में एक दिलचस्प चीज दिखाता हूं। देखिए, दुनिया न्यूज जिस डॉक्यूमेंट के दम पर यह खबर चला रहा था उसमें क्या लिखा था, उसमें साल दर साल पाकिस्तान और भारत के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा था। जरा ध्यान से देखिए, यह डेटा तो और ज्यादा चौंका रहा है। पाकिस्तानी आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान ने तो 2020-21 से अब तक भारत को कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया है, जबकि इसी दौरान उसने $1,600 मिलियन का इंपोर्ट किया है। तो है ना चौंकाने वाली बात। चलिए, हम भारत सरकार के ही आंकड़ों पर भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि भारत भी पाकिस्तान से कई सामान इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में उसने पाकिस्तान से इंपोर्ट बंद कर दिया, जीरो। यानी बेचारे पाकिस्तान को जो कुछ भी एक्सपोर्ट करके भारत से थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था, भारत ने वो भी रोक दिया। बताइए, कंगले पाकिस्तान के साथ कितनी नाइंसाफी है भाई ये। और तो और, खुद पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करके $235 मिलियन की कमाई भी कर ली, यानी पाकिस्तान से $235 मिलियन उगाह लिए। यानी पाकिस्तान को लगा डबल झटका, पर इस हालात के लिए जिम्मेदार भी तो पाकिस्तान खुद ही है ना भाई। पाकिस्तान ने इतने धतकर्म किए हैं कि उसको सजा तो मिलनी ही थी। परी 2019, ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने भारत को एक बहुत बड़ा घाव दिया था। ये घाव था पुलवामा हमले का। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके ठीक एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का यू नो दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, एवरीबडी हैज टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा। आप किसी के लिए ज्यादा यू नो यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री। तो MFN आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो हैं उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं, ये कौम पूरी ऐसी बकवास करती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी। सबसे पहले MFN की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को MFN देना ही नहीं चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था। हम आपको MFN दे रहे हैं, आप हमें दो। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे। लेकिन ये तो रिश्ते बिगड़ने की शुरुआत थी। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद यानी 26 फरवरी को भारत ने पुलवामा का बदला लेने के लिए ऑपरेशन बालाकोट लॉन्च कर दिया। POK में आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। उसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। भारत ने पुलवामा अटैक का जवाब पाकिस्तान से होने वाले इंपोर्ट पर 200% ड्यूटी लगाकर भी दिया। इसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तगड़ी चोट पहुंचाई। उसी साल अगस्त में भारत ने जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेटस हटाने का आदेश दे दिया। 370 और 35 से इतिहास बन गए। यह पूरी तरह भारत का अंदरूनी मामला था, लेकिन भाई पाकिस्तान को तो कश्मीर के नाम पर अपनी टांग इसमें घुसानी ही थी। पाकिस्तान ने हेकड़ी दिखाने के लिए भारत के हाई कमिश्नर को देश छोड़ने के लिए बोल दिया। अपना एम्बेसडर भी भारत नहीं भेजने का फैसला किया। इसके साथ साथ भारत के साथ ट्रेड भी सस्पेंड कर दी गई। अब पाकिस्तान ने तो सोचा था कि उसका ये एक्शन बहुत ज़बरदस्त है, ट्रेड करने से भारत को बहुत नुकसान होगा,
वो घुटनों पर आ जाएगा, झुक जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि भारत को तो इससे फर्क नहीं पड़ा, उल्टा पाकिस्तान का ही दम फूलने लग गया। एक महीने भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने दवा इंपोर्ट कराने से बैन हटा दिया। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई चीजों के इंपोर्ट से पाबंदी हटा दी गई। लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड रिलेशन नॉर्मल नहीं हुए। इसी साल शहबाज शरीफ की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में लगातार भारत के साथ कारोबार शुरू करने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। कराची में तो पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेसमैन ने पीएम शहबाज शरीफ से भारत की तरफ दोस्ती बढ़ाने का अपील तक कर दी। लेकिन पाकिस्तान सरकार की तरफ से कभी हां कभी ना का खेल चलता रहा। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने कहा था कि सरकार भारत के साथ कारोबार शुरू करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके बाद अगस्त में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री का एक और बयान आया। कहा गया कि भारत के साथ ट्रेड शुरू करने का कोई प्लान नहीं है। यह भी कहा गया कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा वापस नहीं देता है तब तक ट्रेड शुरू नहीं होगी। अब इस पर भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान के ही एक्सपर्ट्स सवाल उठाने लग गए। भारत ने आपको कहा है कि आप ट्रेड करें? एक तो ये सवाल है, दूसरा जारी बात है उन्होंने नहीं कहा। जब नहीं कहा तो ये कहां से चीज आ गई कि जी आप, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ फ्रस्ट्रेशन इन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस। फ्रस्ट्रेशन ये है कि भाई वो देयर इज नथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से कुछ आ ही नहीं रहा। अगर कुछ आ रहा होता, कोई बात हो रही होती, कोई डायलॉग हो रहा होता, डिस्कशन हो रही होती, तो हम जरूर कहते कि हाँ जी ये चीज होने वाली है या ये हो रही है, तो लिहाजा हम जो है वो ट्रेड करेंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया की तरफ से बात ही कोई नहीं आ रही, सो पाकिस्तान ने भी टफ लाइन ले ली है कि जी हम बात नहीं करेंगे, पहले 370-35A को रिवोक करो, वो तो नहीं करेंगे ना। और जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने टफ लाइन ली है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास भी कोई चॉइस नहीं रह जाती। भाई देखिए, भारत तो अपने स्टैंड पर शुरू से ही टिका रहा। पाकिस्तान ही भारत से ट्रेड शुरू करने या ना करने को लेकर डिलेमा में फंसा रहा। असल में पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड तो बंद कर दिया था, लेकिन इसका बहुत बुरा खामियाजा उसे और पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ गया। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की रिपोर्ट इसी साल 1 अप्रैल की है। रिपोर्ट की हेडलाइन ही है कि भारत से ट्रेड सस्पेंड करना पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। असल में पाकिस्तान का गुजारा बिना भारत के सामान के नहीं चल सकता। भारत ही वो देश है जो पाकिस्तान को सस्ता और अच्छा सामान दे सकता है। तो ट्रेड बैन के बाद पाकिस्तान भारत के सामान को दुबई और सिंगापुर से खरीदने लगा। आलू, प्याज, टमाटर और अनाज से लेकर मसाले तक, मशीनरीज से लेकर केमिकल्स तक दुबई और सिंगापुर से खरीदना कंगाल पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये कहने लगे हैं कि जब भारत का सामान खरीदना ही है तो सीधे भारत से खरीदो। इस वजह से पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का ये ग्राफ देखिए, पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 26.89% था। नवंबर में ये 29.23% तक पहुंच गया था। लोगों को आटा तक खरीदना मुहाल हो गया था, 800 रुपए किलो आटा बिक रहा था। इस साल मार्च में इन्फ्लेशन में कमी आई है और सितंबर में ये 6.9 तक पहुंच गई, लेकिन अभी भी स्थिति ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई है। और इसकी एक बड़ी वजह भारत से ट्रेड का बंद करना भी है। इसीलिए पाकिस्तान के बिजनेसमैन और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस बार बार भारत के साथ कारोबार शुरू करने पर जोर दे रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि भैया शुरू कर लो बिजनेस, ट्रेड शुरू कर लो भारत से। लेकिन पाकिस्तान के साथ दूसरी दिक्कत है, वो अपने लोगों को भूखा मार सकता है, आटे और रोटी के लिए तरसा सकता है, लेकिन कश्मीर का राग नहीं छोड़ सकता। तो भाई मत छोड़ो, बिल्कुल मत छोड़ो, पकड़े रहो कश्मीर का राग। फिर तुम्हारे मिनिस्टर्स क्यों बार बार भारत के साथ ट्रेड करने को लेकर पैरवी करते रहते हैं? मना करो उनको और बिल्कुल अपनी बात पर कायम रहना। भारत के लिए भी यही ठीक है। पाकिस्तान के साथ जितने कम रिलेशन भारत के होंगे, भारत के लिए उतना ही अच्छा है। और हां, भारत की दवाइयां कैसी लग रही हैं? ऐसे दुश्मनी, और जब जान बचाने की बात आती है तो भारत की दवाइयां खाते हो? खाओ खाओ। तो दोस्तों, अपनी राय इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर दीजिए और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए भाई, शेयर करिए, ताकि लोगों को पता तो चले कि भारत से पंगा लेकर पाकिस्तान की हालत कैसे हो गई है और पाकिस्तानी कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पाकिस्तान तो डायरेक्ट तरलों पर ही आ गया किस्म का, और मैं तो ये जानकर भी हैरान हो गया हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से मिलियंस ऑफ डॉलर की चीज़ें अभी भी मंगवा रहा है, लेकिन भेज कुछ नहीं रहा। और इंडिया ने अपनी जो पाकिस्तान से इंपोर्ट वो करते हैं उस पर बैन लगा दिया है और एक्सपोर्ट अभी भी कर रहा है। ये चीज़ें मैं तो आज पहली दफ़ा जानकर हैरान हुआ। मुझे नहीं पता, मुझे मैरी साइंस का तो पता था कि मैरी साइंस पाकिस्तान ले रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो उन पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बाकी चीज़ें में पाकिस्तान दो चार चीज़ें और भी पाकिस्तान ले रहा है। तो ये तो इंडिया अब तो बल्कि मेरा ख्याल में हमारी मजबूरी है, अदरवाइज इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम उससे ट्रेड करें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनको सरोकार नहीं। ये एक जिसकी बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है रिजर्व है और $4 trillion की इकॉनमी है, GDP ग्रोथ रेट है या GDP है, वो $400 million अगर उनके ख़त्म भी हो जाए तो उतना फ़र्क है। आई थिंक सो कुछ नहीं, कतरे से दरिया बनता है, ऐसी बात तो नहीं। अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड सही होगी तो और भी उनको ज़्यादा कह लें कि फ़ायदा होगा, इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। अच्छा, पाकिस्तान और इंडिया कभी भी वाकई एक पेज पर कभी नहीं आ सकते, कभी भी। उसका मेन रीज़न ये है कि कश्मीर है ना, पाकिस्तान उसको छोड़ेगा और ना इंडिया उसको छोड़ेगा। तो ये कारण जो है ना, ये जो मुद्दा है ना, ये इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया कभी किसी दिन भी जो है ना इकट्ठे नहीं हो सकते, दोस्त अच्छे नेबर नहीं बन सकते। ये बात मैं जो है ना आज जो है ना सीख चुका हूँ कि कभी वो दोस्त नहीं बनेंगे। अगर दोस्त बनेंगे या तो फिर पाकिस्तान को कश्मीर छोड़ना पड़ेगा तो या तो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में दोनों कंट्री ऐसा नहीं कश्मीर भी है और दूसरी बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हाँ, यानी कि मेन रीजन तो यही ना, उसी की वजह से ये होता है ना सब कुछ। कश्मीर पाकिस्तान चाहता है जो इंडिया वाला कश्मीर वो स्टेबल ना हो, जिसकी वजह से फिर उन्हें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इंडिया के मुताबिक हमें करना पड़ता है। ताकि अभी तो भाई इंडिया और कश्मीर में तो इलेक्शन भी हो गए, फिर से इलेक्शन हो गए, तो पाकिस्तान का जो अगर पर्पज जिस तरह इंडिया चाहता है तो फिर बहुत मुकम्मल ना होगा। यार इंडिया तो दुश्मन है पाकिस्तान का, वो तो कुछ ना कुछ कहता ही रहेगा। अच्छा, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गया तो उसने बात को गलत तो नहीं की, उसने बात तो अच्छी की। अब आप इसको किस वे में समझते हैं, क्या इसका देखिए, नेबर आपको नेबर आप थोड़ी, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है, चाइना भी नेबर है, अकेला इंडिया तो नेबर नहीं है। उसने नेबर के साथ उन्होंने कहा है कि बॉर्डर से जो है ट्रेड होगी तो अच्छी बात है, उसने गलत तो नहीं की है। आप कह लें कि आप इसको भी, उसने इंडिया को नाम लिया कि इंडिया के साथ जो है हमारी ट्रेड, इंडिया का नाम तो खुशन उसने नहीं लिया, मतलब इंडिया से उसने कहा कि बॉर्डर से ट्रेड हमारी होनी चाहिए, इसमें तो और भी कंट्री है। तो अगर उसने हाथ बढ़ाया या उसने कहा है कि, तो देखने के अब इंडिया यहाँ पर अगर अकड़ता है या अपना दिखाता है कि जी पाकिस्तान तो घुटनों पर आ गया, पाकिस्तान तो नीचे बैठ गया, पाकिस्तान और इंडिया की इसमें जीत है, तो गलत बात है। इस तरह इंडिया को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और जो पीछे हो चुका है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसको बोलना चाहिए और नई एक कहने के तरक्की की तरफ एक नई शुरुआत करनी चाहिए, दोनों कंट्री को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। मेरा तो ये कहना है, अगर ऐसा ना हुआ तो पहले जिस तरह चल रहा है मामला तो वैसे चलते ही रहेंगे, क्या पता आने वाले दिनों में फिर इससे भी ज़्यादा और भी कशीदा हो जाएँ और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएँ। जो इमरान खान साहब ने वो जो ट्रेड का किया था ना, तो ट्रेड इस तरह तो चाइना ने अपना, इंडिया ने भी कहने कि जब उसका उसने जो किया था यार वो बफर जोन में जो आदमी किया ये, तो 5 जो थी प्रोडक्ट्स उन पर बैन लगा दिया था इंडिया ने भी, यानी कि बैन लगा दिया जिससे ज़्यादा फ़ायदा पहुंच रहा था चाइना को, तो पाकिस्तान ने भी तो यही किया। एक किस्म का ट्रेड का मतलब इन्हें पाकिस्तान ने मुकम्मल ख़त्म कर दिया, इंडिया ने उसके जो 5 कह लें कि प्रोडक्ट्स जिनको ज़्यादा फ़ायदा चाइना को मिलता था उसको बैन लगा दिया, तो फ़र्क तो ना फिर रहा, दोनों कंट्रियों ने इंडिया से तर्ज अमल अपनाया।
तो भाई आप क्यों अब बात एक मिनट पाकिस्तान को कहना बंद भी जो ट्रेड पाकिस्तान में कीजिए ना हाँ, तो आप क्यों रो रहे नहीं रोने वाली बात तो नहीं है इसमें अच्छा ये रोने वाली बात नहीं ड्रैग अगर इंडिया से कहें तो फिर आए इंडिया नशा कितने किया हमारे तुमने इंडिया का नाम लिया नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ इंडिया के कहने को मिनिस्टर से बात करें या फिर इस तरह तो है लेकिन चले यार मैं मेरी बात सुने जो भी है मैं इस बात को मेरा ये मानना है कि मेरा जो कह लें कि मेरी सोच है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी मामला हुए हैं उनको कह लें कि भुला कर ही जो है ना तब ये आगे बढ़ सकते हैं अगर आप पास्ट को साथ लेकर चलेंगे माजी को तो फिर कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर पाकिस्तान अब कुछ कदम बढ़ा रहा है तो इसे इंडिया को भी साथ जो है ना बढ़ाना पड़ेगा इंडिया तो खुद कह रहा था पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है ये वो अगर वही कुछ कंट्री को थोड़ी सी हिम्मत कर रहा है तो आप भी कुछ करें नो डाउट कि आपने पहले की हुई है लेकिन फिर भी आपके लिहाज से पाकिस्तान एक बिगड़ा हुआ है या पाकिस्तान के जो है वो हालात सही नहीं तो फिर आप आपको भी कुछ कदम बढ़ाना चाहिए मेरा तो ये लेकिन गवर्नमेंट ये तो मामला सारे गवर्नमेंट के मिलता नहीं गॉड ब्लेस यू